हाय, हमने लास्ट फ्यू वीडियोस में बात की थी बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में। आज हम बात करेंगे पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में। पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन भी एक तरीके की डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन है, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। हम ये भी देखेंगे कि बायनॉमियल और पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन में क्या डिफरेंस है, प्लस उनमें सिमिलैरिटीज़ क्या है, एंड कब कौन सी डिस्ट्रीब्यूशन हेल्पफुल रहेगी, हमें वो भी देखना है। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हमें इतना पता है कि कोई भी एक बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन होती है तो उसमें हमारे पास दो चीज़ें होती है, एक सक्सेस और एक फेलियर। सो बाइनोमियल एक्सपेरिमेंट्स इज ऑल अबाउट द नंबर ऑफ सक्सेसेस एंड नंबर ऑफ फेलियर्स, राइट। अब उसके अंदर हम नंबर ऑफ सक्सेस और फेलियर्स दोनों काउंट कर पा रहे हैं। अब लेट सपोज मैं आपको एक एक्सपेरिमेंट देती हूँ जिसमें आप काउंट कर रहे हो कि ठीक है 1 PM से 3 PM के बीच में कितने नंबर ऑफ एक्सीडेंट्स हुए हैं ऑन अ पर्टिकुलर रोड, उस पर कितने नंबर ऑफ एक्सीडेंट्स हुए। ये काउंट करना बहुत आसान है। हम कह सकते हैं ऑन एन एवरेज दिन में एक एक्सीडेंट होता है, या फिर ऑन एन एवरेज इस टाइम के बीच में एक एक्सीडेंट होता है एक डे में, राइट, इस पर्टिकुलर रोड पर। लेकिन व्हाट हैपेंस अगर मैं आपसे बोलूँ ये बताओ कितने एक्सीडेंट्स नहीं होते, वो नंबर ऑफ नॉन एक्सीडेंट्स काउंट करना, क्या वो ईजी है? वो नहीं है ईजी। आप नहीं काउंट कर सकते कि ऑन एन एवरेज कितने एक्सीडेंट्स नहीं होते, या फिर अगर वो काउंट कर भी सकते तो वो इतना इजी नहीं है, वो डिफिकल्ट प्रोसेस है, राइट। सो दिस इज दैट पॉइंट ऑफ टाइम जब हमारे पास बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन फेल हो जाती है और हम पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन की तरफ मूव करना चाहते हैं। अब एक बात बताओ, अगर मैं बोलूँ कि लेट सपोज नंबर ऑफ सक्सेसेस क्या है मेरे, नंबर ऑफ एक्सीडेंट्स, राइट, एंड नंबर ऑफ नॉन एक्सीडेंट्स क्या है, नंबर ऑफ फेलियर्स। नंबर ऑफ नॉन एक्सीडेंट्स को हम क्या कह देंगे, नंबर ऑफ फेलियर्स। अगर ये केस हो जाए तो आपको पता लग जाए कि टोटल कितने नंबर ऑफ ट्रायल्स हुए उसके अंदर एक पर्टिकुलर एक्सपेरिमेंट के अंदर, नंबर ऑफ सक्सेस प्लस नंबर ऑफ फेलियर्स में, या रादर नॉट ट्रायल्स बट कितने पॉसिबल आउटकम्स थे, राइट। हम वो सब नहीं निकाल सकते ना, हम यहाँ पर नंबर ऑफ सक्सेसेस प्लस नंबर ऑफ फेलियर्स नहीं निकाल सकते क्योंकि हमारे पास एक टोटल कैपिटल, हमारे पास एक टोटल एन, हमारे पास जो एन है हमारे पास ये नहीं आएगा जो हम बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशंस में यूज़ करते थे। सो इस केस में पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन हमारी हेल्प करने आता है। वो क्या कहता है कि हमें नहीं चाहिए कितने नंबर ऑफ नॉन एक्सीडेंट्स हुए, वो कहीं पर भी आपसे ये नहीं मांगता, वो आपसे सिंपली ये कहता है नंबर ऑफ एक्सीडेंट्स बता दो एंड दैट इज इनफ। अगर मुझे पता लग जाए ऑन एन एवरेज कितने एक्सीडेंट्स हुए तो मेरे लिए वो इनफ है, राइट। तो पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन इन्हीं केसेस में हेल्प करता है जब आप टोटल पॉसिबल नंबर ऑफ आउटकम्स नहीं निकाल सकते कि टोटल कितने आउटकम्स हैं, या फिर नंबर ऑफ सक्सेसेस प्लस नंबर ऑफ फेलियर्स नहीं निकाल सकते। उस केस में कौन आता है हमारे रेस्क्यू के लिए, पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन। पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन बेसिकली रेयर इवेंट्स में हेल्प करता है जब आपको रेयर इवेंट्स की काउंटिंग करनी हो, ये तब हेल्प करता है। इसे हम इसको कैसे डिस्क्राइब करते हैं, फिर हम इसको कैसे कहते हैं, द लॉ ऑफ इम्प्रोबेबल एरर, मतलब जो गलती से एरर्स हो जाते हैं उनके लिए हम बात करते हैं। अब इसके हम कुछ एग्जांपल्स देखते हैं जिससे आपको एक बेटर क्लैरिटी आएगी कि हाँ आप इसको कब यूज़ कर सकते हैं। नंबर ऑफ टेलीफोन कॉल्स रिसीव्ड पर आर, अब एक घंटे में कितने टेलीफोन कॉल्स आपके पास आए हैं, ये ऑन एन एवरेज हम ये निकाल सकते हैं या प्रिडिक्ट कर सकते हैं। बट अगर मैं आपसे पूछूँ कितने कॉल्स नहीं आए, वो आप कैसे प्रिडिक्ट करोगे? आपको क्या पता कि कितने कॉल्स थे टोटल, दैट इज़ अनप्रिडिक्टेबल। बट आपको ये अगर आप ये बता दो ऑन एन एवरेज नंबर ऑफ टेलीफोन कॉल्स इतने हैं तो आपका काम हो जाएगा। तो पॉइजन एक्सपेरिमेंट ये हो गया हमारा एक तरीके से नंबर ऑफ टेलीफोन कॉल्स रिसीव पर आर, या फिर नंबर ऑफ टाइपिंग एरर्स ऑन अ गिवन प्रिंटेड पेज, नंबर ऑफ बैक्टीरिया इन अ गिवन कल्चर। किसी भी कल्चर में आप कैसे बताओगे कितने बैक्टीरिया नहीं है, आप ये बता काउंट कर सकते हैं ना कितने बैक्टीरिया है। नंबर ऑफ डेथ्स इन अ विलेज इन अ गिवन पीरियड, नंबर ऑफ कार्स एट अ टोल गेट ड्यूरिंग अ फिक्स पीरियड ऑफ टाइम, राइट। तो ये कुछ एक्सपेरिमेंट्स हैं जिनको हम क्या कहते हैं, पॉइजन एक्सपेरिमेंट्स। इनके अलावा और भी बहुत एग्जाम्पल्स हो सकते हैं, राइट। सो बट आप एक चीज़ देखो, जो वेरिएबल हम एक्स की बात कर रहे हैं, जो जो हम कह रहे हैं कि हाँ वो वेरिएबल्स जिनके हम पॉइजन एक्सपेरिमेंट्स कर रहे हैं उनको क्या कहते हैं, पॉइजन रैंडम वेरिएबल। और ये जो वेरिएबल, ये जो एक्स है, कि जो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो करते हैं, हम उसको क्या कहते हैं, पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन।
अब हम देख चुके हैं कि एग्जैक्टली किस तरीके से बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन जो है नहीं वर्क करता, हम वहाँ पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन यूज़ करते हैं। हमने थ्योरेटिकली समझा है, इसको हम न्यूमेरिकली समझेंगे बट एट द एंड ऑफ द वीडियो। अभी हम देखते हैं कि सबसे पहले कि पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन को ही हम और डिटेल में समझते हैं। अब पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन इन शॉर्ट हम क्या कहेंगे, पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है? लेट एक्स बी अ पॉइजन रैंडम वेरिएबल रिप्रेजेंटिंग द नंबर ऑफ आउटकम्स और सक्सेसेस। हम वो नंबर ऑफ सक्सेसेस देख रहे हैं अकरिंग इन अ गिवन इंटरवल ऑफ टाइम और स्पेस। टाइम और स्पेस मतलब एक पर्टिकुलर हम टाइम पीरियड के लिए बात कर सकते हैं, हम कह सकते हैं एक पर्टिकुलर रीजन के लिए एंड सो ऑन। देन द प्रोबेबिलिटी दैट एग्जैक्टली आर सक्सेसेस अकर इन अ गिवन इंटरवल इज गिवन बाय सिंपली प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इज इक्वल टू आर इज इक्वल टू ई टू पावर माइनस लैम्डा। दिस इज नोन एज लैम्डा, इस पैरामीटर को हम लैम्डा कहते हैं, लैम्डा टू द पावर आर अपॉन आर फैक्टोरियल, राइट, जहाँ पे आर की वैल्यू 0, 1, 2 या कितनी भी हो सकती है। प्लीज ध्यान दो, पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन में सिर्फ एक सिंगल पैरामीटर होता है लैम्डा। अगर आपको लैम्डा का आइडिया है कि लैम्डा क्या है, राइट, तो आप पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन का कुछ भी सॉल्व कर सकते हो। बट इफ यू डोंट नो द लैम्डा देन पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नो यूज, बिकॉज लैम्डा इज द ओनली पैरामीट्रिक वैल्यू दैट रिक्वायर फॉर द पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन। अब लैम्डा क्या है? लैम्डा इज सिंपली एवरेज नंबर ऑफ आउटकम्स अकरिंग इन द गिवन इंटरवल, राइट। लैम्डा इज एवरेज नंबर ऑफ आउटकम्स और सक्सेसेस इन द गिवन इंटरवल। इट कैन बी स्पेस, इट कैन बी टाइम, इट कैन बी एनीथिंग, राइट, इंटरवल। सो दिस इज सिंपली द पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन। अब हम एक एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं। एग्जाम्पल में हमसे क्या बोल रहे हैं, सपोज दैट अ नंबर ऑफ क्लेम्स फॉर मिसिंग बैगेज एवरेज 6 पर डे। मतलब कि नंबर ऑफ कितने क्लेम्स आ रहे हैं हमारे पास एक पर्टिकुलर बैग मिस होने के, ऑन एन एवरेज 6 क्लेम्स आ जाते हैं एक दिन में। Find the probability that on a given day there will be no claim, exactly 6 claims, at least 2 claims. यही है ना question? अब हमसे क्या बोल रहे हैं, success का मतलब यहाँ पे क्या हो गया, simply claim आना। अगर claim आना success है तो हम इसमें क्या बोलेंगे, lambda क्या है हमारा 6, because suppose that number of claims for missing bag average 6 per day, मतलब average complaints के claims are 6। तो अगर मुझे अब निकालना हो प्रोबेबिलिटी क्या है कि नंबर ऑफ सक्सेसेस या फिर नंबर ऑफ क्लेम्स आर आर इज सिंपली इक्वल टू ई टू पावर माइनस लैम्डा, लैम्डा टू द आर आर अपॉन आर फैक्टोरियल। हमने यहाँ से देखा था, मैंने एज इट इज इसको कॉपी कर दिया। अब लैम्डा की वैल्यू सब्सिट्यूट करूँ तो क्या आएगा, ई टू पावर माइनस सिक्स, सिक्स टू पावर आर अपॉन आर फैक्टोरियल, राइट। अब ये हमारा फॉर्मूला था। अब हम फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते, प्रोबेबिलिटी ऑफ नो क्लेम, नो क्लेम का मतलब क्या हो गया, प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इज इक्वल टू जीरो। अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इज इक्वल टू जीरो निकालना है तो आर के तो हम जीरो पुट कर दें, तो ई टू पावर माइनस सिक्स, सिक्स टू पावर जीरो अपॉन जीरो फैक्टोरियल। जीरो फैक्टोरियल क्या होता है, वन, सिक्स टू द पावर जीरो क्या होगा, वन, तो ये क्या बचा, ई टू पावर माइनस सिक्स, और ई टू द पावर माइनस सिक्स की वैल्यू क्या है, वो हमें ऑलरेडी गिवन है 0.0025, तो इसका मतलब ये क्या हो गया, 0.0025, राइट। इस तरीके से निकाल सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ नो क्लेम। क्वेश्चन नंबर टू, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ एग्जैक्टली 6 क्लेम्स, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 6 क्या होगा, ई टू पावर माइनस सिक्स, सिक्स टू पावर आर की जगह पे 6 लिखेंगे अपॉन 6 फैक्टोरियल, यही लिखेंगे ना हम, तो इसका मतलब क्या हो गया, अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो इसकी वैल्यू आएगी 0.162, राइट। मैंने इसको ऑलरेडी सॉल्व कर दिया तो मैंने डायरेक्टली वैल्यू लिख दी है, बट आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर थ्री, एटलीस्ट 2 क्लेम्स, ये इंपॉर्टेंट है। एटलीस्ट 2 क्लेम्स का मतलब क्या है, प्रोबेबिलिटी दैट एक्स इज ग्रेटर दैन इक्वल टू 2। अब ग्रेटर दैन इक्वल टू 2 में वो 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 कितने भी नंबर जा सकता है, आप वो कैसे निकालोगे, हम इसको कैसे कह सकते हैं, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इज लेस दैन 2। जैसे ही हमने बोल दिया 1 माइनस प्रोबेबिलिटी दैट एक्स इज लेस दैन 2, तो हमारे पास केसेस कितने बचे,
वन माइनस प्रोबेबिलिटी एक्स इज इक्वल टू जीरो प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इज इक्वल टू वन। अब ये दो ही प्रोबेबिलिटीज निकाल के अगर मैं टोटल वन से माइनस कर दूँ तो मेरे पास आंसर आ जाएगा, राइट। सो ये क्या हो गया, वन माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इज इक्वल टू जीरो की वैल्यू तो मैं कॉपी कर लेती हूँ यहाँ से, ये रही, दैट इज 0.0025 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इज इक्वल टू वन। अगर मैं चाहूँ तो इसकी वैल्यू नहीं भी लिखती और सिंपल वे में सॉल्व करते हैं, ई टू पावर माइनस सिक्स लिख देती हूँ इसको भी, ये वाली वैल्यू कॉपी कर दी मैंने, राइट। प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इज इक्वल टू वन क्या होगा, ई टू पावर माइनस सिक्स, सिक्स टू पावर वन अपॉन वन फैक्टोरियल। अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, वन माइनस ई टू पावर माइनस सिक्स, डिनोमिनेटर तो वन हो गया, ये भी सिक्स बचा, तो प्लस सिक्स इंटू ई टू पावर माइनस सिक्स, इसका मतलब वन माइनस सेवन ई टू पावर माइनस सिक्स, यही आया। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास इसका आंसर आएगा 0.9825। ये क्वेश्चन आपके ऑलरेडी एग्जाम में बहुत पहले आ चुका है, दिल्ली यूनिवर्सिटी बी कॉम ऑनर्स 2001 में आया था एक बार ये क्वेश्चन जो मैंने अभी आपसे डिस्कस किया है, राइट। सो इस तरीके से हम कोई भी प्रोबेबिलिटीज निकाल सकते हैं। अब एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक, पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन एज अ लिमिटिंग केस ऑफ द बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। अब हमने बात की थी ना, हम न्यूमेरिकली भी देखेंगे कि कब पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन हेल्पफुल है और कब बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन हेल्पफुल है। सो सबसे पहले देखते हैं, कोई भी अगर एक बायनोमियल रैंडम वेरिएबल है तो उस केस में आपकी प्रोबेबिलिटी क्या होती है ऑफ एक्स इज इक्वल टू आर एन सी आर पी टू पावर आर, दिस इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस, एंड क्यू टू पावर एन माइनस आर, जहाँ पे क्यू क्या है प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर, एंड क्यू आप ऐसे वन माइनस पी भी लिख सकते हैं, एंड पी और एन को हम क्या कहते हैं, पैरामीटर्स, राइट। बट एक बात बताओ, लेट सपोज ये जो एन है ये बहुत बड़ा हो जाए, तो ऑब्वियसली अगर ये लेट सपोज वन लाख हो जाए, तो वन लाख सी 20,000, क्या ये निकालना आसान है, नहीं, नॉट 20,000, वन लाख सी टू। अगर मैं आपसे बोलूँ एन इज वन लाख एंड व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट एक्स इज इक्वल टू टू, वन लाख सी टू पी टू पावर टू क्यू टू द पावर 99,998। अगर मैं आपसे ये निकालने के लिए बोलूँ कि आप निकाल पाओगे, नहीं, ये बहुत डिफिकल्ट है रादर, राइट, तो ये कंप्यूट नहीं कर सकते। तो इन केसेस हमारी हेल्प के लिए कौन आती है, पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन। कैसे, हम कैसे इस बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन को पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन में अप्रोक्सीमेट कर सकते हैं, तभी कर सकते हैं अगर ये रैंडम वेरिएबल हमारी ये थ्री कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है। तो फर्स्ट कंडीशन क्या है, एन इज वेरी लार्ज, राइट, एन बहुत लार्ज है, दैट इज एन टेंड्स टू इन्फिनिटी। तो फिर इस केस में वन लाख के केस में हम इसको बहुत इजीली यूज कर सकते हैं पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन को, राइट, क्योंकि हमें एन का कुछ करना ही नहीं है। सेकेंड, पी इज वेरी स्मॉल, दैट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस इज वेरी स्मॉल, और नंबर ऑफ सक्सेसेस भी बहुत कम होते हैं इसके अंदर, दैट इज पी टेंड्स टू जीरो, तो वो भी हमारा सेटिस्फाई होना चाहिए। एंड थर्ड इम्पॉर्टेंट पॉइंट इज दैट एन पी इज इक्वल टू लैम्डा विच इज अ कॉन्स्टेंट। एन पी क्या हो गया, मीन ऑफ अ बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। आप बाद में देखेंगे हमारे पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन का मीन भी लैम्डा होता है, तो हम सिंपली कह रहे हैं अगर एन पी इज इक्वल टू लैम्डा है तो उस केस में अगर ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही हैं तो हम अपने ईजिली बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन की जगह वी कैन यूज पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन, राइट। सो बेसिकली हम एक एग्जाम्पल देखें ताकि हमें ज़्यादा क्लैरिटी आ जाए। इफ द प्रोबेबिलिटी दैट एन इंडिविजुअल सफर्स अ बैड रिएक्शन फ्रॉम एन इंजेक्शन ऑफ अ गिवन सेरम इज 0.001। अ प्रोबेबिलिटी की बैड रिएक्शन होगा उसकी प्रोबेबिलिटी है 0.001। डिटरमाइन द प्रोबेबिलिटी दैट आउट ऑफ 2,000 इंडिविजुअल्स मोर देन टू इंडिविजुअल्स विल सफर अ बैड रिएक्शन। अब देखो एन 2,000 बहुत लार्ज है, अब क्योंकि ये बहुत लार्ज है हम बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं यूज़ करेंगे। मैंने यहाँ समझाया था कि 2000 सी और ये मोर देन टू है, तो मोर सी टू सी थ्री वो सब निकालना बहुत मुश्किल है। सो इन दैट केस हम किस पे जाएंगे, बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन पे स्विच करेंगे जहाँ एन लार्ज है, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस क्या है 0.001, बहुत छोटी है, राइट। सो इस केस में हमारे पास एन 2,000 है, P
पी है 0.001। अगर अब हमें लैम्डा निकालना वो क्या होगा, एन पी मतलब 2000 इंटू 0.001, वो क्या हो गया 2, राइट। अब अगर क्वेश्चन हमसे क्या बोल रहे हैं, डिटरमाइन द प्रोबेबिलिटी दैट आउट ऑफ 2000 इंडिविजुअल्स मोर देन 2 इंडिविजुअल्स विल सफर अ बैड रिएक्शन। और हमें क्या बतानी है, प्रोबेबिलिटी दैट एक्स इज ग्रेटर देन 2, यही बताना है। अच्छा बताओ प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इज इक्वल टू आर क्या होगा, ई टू पावर माइनस लैम्डा मतलब ई टू पावर माइनस 2, 2 टू द पावर आर अपॉन आर फैक्टोरियल, यही होता है ना फॉर्मूला। तो अगर मुझे बताना हो प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन 2, तो हम इसको काउंट थोड़ी करते रहेंगे, एक्स इज 2, एक्स इज 3, 4, 5, 6 एंड सो ऑन। उससे इजी क्या है, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी दैट एक्स इज लेस देन इक्वल टू 2। तो ये कैसे निकलेगा, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2। हम ऐसे कर सकते हैं, सो अगर हम इसमें पुट इन करें वैल्यूज, तो इसका मतलब क्या हो गया, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0 मतलब ई टू पावर माइनस 2, 2 टू द पावर 0 अपॉन 0 फैक्टोरियल, प्लस एक्स इज इक्वल टू 1 का मतलब ई टू पावर माइनस 2, 2 टू द पावर 1 अपॉन 1 फैक्टोरियल, प्लस ई टू पावर माइनस 2, 2 स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल। इसका मतलब क्या हो गया, ई टू पावर माइनस 2 प्लस 2 आ जाएगा, 1 फैक्टोरियल मतलब 1, तो मतलब 2 इंटू ई टू पावर माइनस 2 प्लस ये 2 फैक्टोरियल और ये क्या है 4, तो ये बचेगा 2, तो 2 इंटू ई टू पावर माइनस 2। इसका मतलब क्या हो गया, 1 माइनस 5 ई टू पावर माइनस 2, हमारे पास ई टू पावर माइनस 2 की वैल्यू है, तो 1 माइनस 5 इंटू 0.135, राइट। अब अगर हम इसको सॉल्व कर देंगे तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, 0.325। तो हम इस तरीके से इन केसेस में जब हमारे पास पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन की ये 3 कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, तो हम उनको यूज़ करके भी अपने आंसर्स निकाल सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो, डू सब्सक्राइब दिस चैनल फॉर मोर वीडियोज़। थैंक यू।